मरवाही उपचुनाव में लहराया कांग्रेस का परचम, लगभग 33,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव की जीत, औपचारिकता बाकी। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल, जीत पर जमकर थिरके प्रभारी जयसिंह अग्रवाल। रायपुर, वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के सातवें और आखिरी दिन छत्तीसगढ़ का गारेपालमा कोयला खदान शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड ने किया हासिल। इस कोयला ब्लॉक को पाने की दौड़ में अडानी, बालको, हिंडालको, जिंदल भी थे शामिल। रायपुर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए 2 दिन के रिमांड पर भेजा जेल। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के तहसील मुख्यालय पाटन में स्वामी आत्मानंद पुष्प वाटिका सौंदर्यीकरण कार्य, स्वामी आत्मानंद चौक के जीर्णोद्धार कार्य तथा जीर्णोद्धार के बाद वहां के एसडीएम और तहसील कार्यालय का लोकार्पण तथा नए भवन के निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। रायपुर, आज सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय और संचालनालय कर्मियों के लिए जारी किया आदेश, 17 नवंबर से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में अनिवार्य। कोविड-19 संक्रमण के चलते मंत्रालय में सिर्फ 50% कर्मचारियों से ही लिया जा रहा था काम। रायपुर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की ली बैठक। बैंकों को हितग्राही मूलक गतिविधियों के बैंक संबंधी प्रकरणों को स्वीकृत कराने में तेजी लाने के दिए निर्देश। जांजगीर चांपा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जिले की नवगठित 3 तहसील कार्यालयों का ऑनलाइन औपचारिक शुभारंभ करेंगे। जिले के सारागांव, बमनी डी और बाराद्वार के तहसील कार्यालय की अधिसूचना कल राजपत्र में की जाएगी। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने शहर के 2 अलग अलग स्थान से 1 लाख की ब्राउन शुगर व नशीली दवा इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर किया जेल में दाखिल। बिलासपुर, देर रात आने जाने वाले राहगीरों को लूट का शिकार बनाने वाले गिरोह को पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 घटनाओं का हुआ खुलासा। कोरबा, रिंग रोड बालको में शर्मा पेट्रोल पंप के पास ट्रेलर ने स्कूटी सवार महिला और उसके पुत्र को मारी ठोकर, महिला की मौके पर ही मौत, वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल।